डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग माई डियर गुड मॉर्निंग माई डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड हेल्थी एट योर होम. आफ्टर वी कम्प्लीट फोर्थ चैप्टर्स, नाउ आई एम स्टार्ट फिफ्थ चैप्टर. बिफोर आई स्टार्ट द चैप्टर, आई आस्क वन क्वेश्चन. वॉट आर द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स? द क्वेश्चन इज, वॉट आर द बेसिक नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स? द फर्स्ट नीड इज फूड, सेकेंड नीड इज शेल्टर, एंड द थर्ड नीड इज क्लोथ. टूडे वी आर स्टार्टिंग अबाउट क्लोथ. द चैप्टर नेम इज फिफ्थ, क्लोथ वी वियर. इज योर फिफ्थ चैप्टर द क्लोथ वी वियर? दिस इज द पिक्चर ऑफ द अर्ली मैन सी इन योर बुक. दिस इज द पिक्चर ऑफ अर्ली मैन हु वियर द क्लोथ ऑफ स्किन ऑफ एनिमल एंड लीव्स ऑफ ट्रीज. This is the picture of early man who use animal skin and leaves of trees to cover his body. The question arises that why do we need cloth? Here I put one question, why we do we need cloth? हमें कपड़ों की आवश्यकता क्यों होती है? Here the three reason we need cloth. First reason, cloth protect us from heat, cold and rain. Here is the protect. The word protect, that means surakshit. The word protect, that means surakshit. Cloth protect us from heat, garmi, thand aur barish se hame bachata hai. They make us look attractive and smart. Jab hum apne kapde naye naye pehante hain, tab hame attractive and look smart. Attractive, that means manmohak. Here is word attractive. Here is manmohak. They tell us the kind of work as person do. This जैसे जैसे जिस जिस इंसान का occupation होता है वैसे वैसे वो कपड़े पहनता है. That I am a teacher, I am wear a teacher uniform. If the policeman is a policeman, he wear a policeman dresses. And we identify the people according to their dress up. Like doctor, we wear doctor who wear white long coat and everything else. Next, people wear clothes according to age, traditional places, season, occupations and occasions. Is the age, that means IU. Traditional places is parampara grahat. And jaise traditional places parampara, jaise Rajasthani, Punjabi and Bengali is like a traditional. सीजन यानी मौसम के हिसाब से, समर, विंटर, रेनी. इन समर वी वियर कॉटन क्लोथ, इन विंटर वी वियर वुलन क्लोथ, इन रेनी वी वियर रेन कोट्स, गम बूट्स, ईटीसी. ऑक्यूपेशंस अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस या व्यवसाय. इन हिंदी वी नो व्यवसाय. इन बिजनेस वी वियर, इफ अ बिजनेस मैन हु वियर अ सूट एंड अ फॉर्मल ड्रेसेज. इफ अ टीचर हु वियर टीचर यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म, ईटीसी. Occupations, avsaro, that with Diwali we wear new clothes, girls wear evening gown, boys wear kurtas, pajama, etc. Clothes according to the age. First we starting from clothes according to the age. We wear clothes according to our age. A 6 month old baby wear a different dress than a old man. Ek 6 mahine ka chhota bachcha, uske kapde aur ek बुढ़े आदमी के कपड़े, बोथ आर डिफरेंट्स. अ बेबी वियर बेबी सूट्स, जो एक छोटा बच्चा होता है वो अपना बेबी सूट्स पहनता है, और नैपकिन्स यानी छोटे छोटे से लंगोट टाइप में. और बीब्स, बीब्स दैट मीन्स अ प्लास्टिक क्लोथ दैट द वियर बेबी ऑन हर नेक. नेक्स्ट, अ यंग बॉय वियर शॉर्ट्स, टी शर्ट, ईटीसी. अ यंग बॉय यानी आप जैसे, आप घर में पहनते हो जैसे शर्ट, स्मॉल शर्ट्स एंड निकर्स, शॉर्ट्स, ईटीसी. अ गर्ल हु वियर फ्रॉक्स एंड टर्निक, जो गर्ल होती है, यंग गर्ल वियर फ्रॉक्स एंड टर्निक, ईटीसी. अ यंग मैन वियर पैंट्स, शर्ट, टाई, ईटीसी. अ यंग मैन यानी योर फादर हु वियर पैंट, शर्ट, टाई, ईटीसी. एंड योर मदर, योर यंग वुमन वियर साड़ीज, सलवार, कमीज एंड ट्राउजर्स. यू नो, आपकी मम्मा पहनती है घर पे साड़ी, सलवार, कमीज, ईटीसी.
एंड ओल्ड मैन वियर लूज कम्फर्टेबल क्लोथ, यानी ओल्ड मैन यानी या आपके दादा वगैरह लूज पायजामा यानी कम्फर्टेबल, जिससे वो एकदम कम्फर्टेबल रह सकते हैं, जैसे आरामदायक कपड़े होते हैं वैसे ओल्ड मैन पहनते हैं. नेक्स्ट, द क्लोथ इज अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग क्लोथ हमें कैसे पहनते हैं. पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री वियर डिफरेंट क्लोथ्स. पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री वियर डिफरेंट क्लोथ. लुक एट द बुक, हेयर इज द क्लोथ वियर इन जम्मू कश्मीर. हेयर इज अ गर्ल वियर ए कुर्ता बिलो डाउन द नी, एंड हेयर इज अ बॉय वियर अ कैप इज नोन एज स्कॉल डाउन स्कॉल कैप वियर इन द जम्मू एंड कश्मीर. हेयर इज अ लेडी वियर अ घाघरा एंड चोली, एंड अ बॉय वियर ए धोती एंड फील्स कुर्ता एंड पगड़ी ऑन हर हेड इन इन दिस राजस्थानी इज नोन एज द राजस्थानी क्लोथ. हेयर द बॉय वियर ए लॉन्ग कुर्ता लुंगी एंड हेयर द वन ऑफ देयर पार्ट ऑफ क्लोथ ऑन हर शोल्डर, एंड द गर्ल वियर ए साड़ी इन डिफरेंट वे. दिस इज द बंगाली वे इज नोन एज द बंगालीज वे. हेयर द अनदर पिक्चर, देयर इज अ गर्ल वियर अ साड़ी एंड अ बॉय वियर ए लॉन्ग कुर्ता एंड लुंगी दिस ड्रेसअप इन केरल. एज यू नो वी आर वियर इन आवर हाउस वी वियर मम्माज वियर साड़ीज कुर्ताज एंड लूज पायजामा एंड एवरीथिंग एल्स. पीपल लिविंग इन डिफरेंट कंट्रीज वियर देयर ट्रेडिशनल ड्रेसेज. इन केन्या, केन्या इज अ प्लेस इज लोकेटेड इन द ईस्ट एशिया वेयर द पीपल वियर हैवी एम्ब्रॉयडरीज ड्रेसेज, वेयर द फुल लॉन्ग कुर्ताज लॉन्ग फ्रॉक एंड बॉयज वियर अ लॉन्ग शर्ट एंड लॉन्ग पायजामा एंड विथ अ लॉन्ग कोट. हेयर इज स्कॉटलैंड इज द प्लेस वेयर द यूनाइटेड किंगडम इन द वर्ल्ड. इन द स्कॉटलैंड द पीपल वियर different dresses. Here you know, here you see there, here is a suit type and skirt boy wear this type of dresses in the Scotland. There is a Saudi Arabian, it is located in the Southeast Asia. There the girls wear burqa type, all the bodies covered with the long cloth. Here is Japan, here the people wear kurtas and a long band on their vest. Here's some hard words meanings you have to write down in your notebook. There's the first cloth, kapde, protect, surakshit, attractive, manmohak, ace, ayu, traditional, paramparagrahat, season, mausam, occupation, vyavasaya, occasions, avsar, napkins, langot, comfortable, aramdayak. You have write these hard words in your notebook. Thank you, everyone.